Assalamu alaikum dear students, welcome back to diplomaonline.pk जहां आप सीख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के ट्यूटोरियल्स बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया सॉफ्टवेयर जो कि कोरल ड्रा के नाम से जाना जाता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज से हम कोरल ड्रा पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हमने ऑफिस और ऑटोकैड पे काम किया था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ऑटोकैड और ऑफिस के ट्यूटोरियल्स पसंद आए होंगे। तो आज से हम कोरल ड्रा पे काम करेंगे जो कि बहुत प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है और जिसमें जो कि वेब डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म की डिप्लोमास लोगोज वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में फर्स्ट जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोरल ड्रा का ट्यूटोरियल, तो आज के सेशन में हम सिर्फ ओनली कोरल ड्रा क्या होता है उस पर हम थोड़ा उस पर इंट्रोडक्शन उसका करेंगे। तो उसके लिए आज हम देखते हैं, तो आज के इस लेसन में जो कि लेसन नंबर 1 है इसमें हम देखेंगे कोरल ड्रा 9 और 12। बेसिकली इसको इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये होता क्या है और किस लिए इसे यूज किया जाता है। तो इसके लिए मैं कोरल ड्रा को ओपन करता हूं। तो बेसिकली कोरल ड्रा ओपन करने से पहले मैं आपको इसका कुछ इंट्रोडक्शन देता हूं कि कोरल ड्रा बेसिकली होता क्या है। तो उसके लिए मैंने एक स्लाइड्स बनाई हुई है, तो मैं स्लाइड्स को ओपन करता हूं। तो आज के इस लेसन में हम देखेंगे कोरल ड्रा 9 और 12। तो बेसिकली कोरल ड्रा 9 और 12 जो होते हैं इनका एनवायरनमेंट बिल्कुल एक जैसा ही होता है, तो ज्यादातर लोग 9 और 12 यूज करते हैं कोरल ड्रा। इसके बाद हम X5 X सीरीज के जो कोरल ड्रा वर्जन है उन पे भी हम काम करेंगे। तो पहले हम 9 और 12 को अच्छी तरह समझ जाएं ताकि हमारे लिए आगे आसानी हो। तो कोरल ड्रा जो सॉफ्टवेयर होता है, बेसिकली कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर जो होता है ये वेक्टर बेस्ड ड्राइंग प्रोग्राम होता है जिससे हम ग्राफिक डिजाइनिंग के नाम से भी जानते हैं। कोरल ड्रा एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के डिजाइनिंग लोगोज वगैरह और मुख्तलिफ किस्म के आप कोई भी आपने जो है ना सर्टिफिकेट बनाने हैं, आपने लोगोज बनाने हैं, उसके अलावा कोई कार्ड वगैरह बनाने हैं, विजिटिंग कार्ड, ये जिस तरह के भी कार्ड शर्ट बनाने, तो ये ज्यादातर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। तो कोरल ड्रा का जो एनवायरमेंट होता है वो इस तरह का एनवायरमेंट होता है, तो इस पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हमारे पास सामने ही एनवायरनमेंट है इसका, उसके अलावा ये जो हमारे पास सामने जो एनवायरनमेंट है इस एनवायरनमेंट में हमारे पास क्या क्या होता है जी, टाइटल बार होती है, मेन्यू बार होती है, प्रॉपर्टी बार क्या होती है, स्टैंडर्ड बार क्या होती है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज एग्जिट के बटन कौन से होते हैं, टूल बॉक्स कौन सा होता है और उसका वर्किंग एरिया कौन सा होता है, कलर पैड हमारे पास जो होते हैं वो क्या होते हैं, बस स्क्रॉल बार क्या होती है, साइड बार क्या होती है, पेज लेआउट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस पर जब हम इसे सामने ओपन करेंगे तब हम इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो कोरल ड्रा बेसिकली जो ज़्यादा काम होता है कोरल ड्रा में वो टूल बार से होता है। तो कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिन पे सिर्फ एक या दो टूल्स होते हैं और कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिनमें आगे भी इसके मुख्तलिफ किस्म के टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कुछ टूल्स हैं उनके आगे स्मॉल सा एक डॉट्स एक एरो का बटन होता है जिस पे आप क्लिक किए रखते हैं तो आपके सामने और भी काफी सारे टूल्स ओपन होते हैं। तो हम इन सब टूल्स के ऊपर काम करेंगे। कोरल ड्रा में जो चीजें डिजाइन की जाती हैं उनमें लोगोस जो सबसे ज्यादा जो हमारे पास वेक्टर बेस्ड आप डिजाइन करते हो तो सबसे ज्यादा जो हम डिजाइन करते हैं वो लोगोस के लिए कोरल ड्रा डिजाइन किया जाता है। लोगोस जितने भी बनाए जाते हैं वो कोरल ड्रा में डिजाइन किए जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के लोगों को डिज़ाइन करने के लिए हम कोरल ड्रा यूज़ करते हैं, चाहे कोई भी लोगो किसी भी किस्म का लोगो तो उससे हम उसके लिए हम कोरल ड्रा डिज़ाइन कर कोरल ड्रा यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस पे कोरल ड्रा में मुख्तलिफ किस्म के लोगों को डिज़ाइन भी करेंगे। उसके अलावा इसमें मुख्तलिफ किस्म के सर्टिफिकेट डिज़ाइन किए जाते हैं कोरल ड्रा में। तो सर्टिफिकेट में मुख्तलिफ किस्म के जैसे कि हमारे पास ये टेक्निकल का जो हमारे पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमास वगैरह या सर्टिफिकेट वगैरह जो होते हैं ये डिज़ाइन किए जाते हैं इस तरह के। ये देखें ये भी डिज़ाइन है कोरल ड्रा में, ये भी कोरल ड्रा के डिज़ाइन किया हुआ है।
इसके अलावा विजिटिंग कार्ड भी हम कोरलडा में डिजाइन करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो विजिटिंग कार्ड होते हैं उनको भी कोरलडा में डिजाइन किया जाता है। देखिए मुख्तलिफ किस्म के आपको विजिटिंग कार्ड नजर आ रहे हैं, तो जितनी डिजाइनिंग्स होती हैं ये कोरलडा में डिजाइन होती है। ग्रीटिंग कार्ड में मुख्तलिफ किस्म के जो शादी ब्याह के जो कार्ड्स वगैरह होते हैं वो आपके जो वैलेंटाइन डे वगैरह या कोई भी कार्ड होता है वो आ जाते हैं, शादी ब्याह के कार्ड आ जाते हैं, ईद के जो कार्ड होते हैं वो सारे आप कोरलडा में डिजाइन करते हो। इसके अलावा जो पोइट्रीज वगैरह होती है वो भी हम कोरलडा में डिजाइन करते हैं, और इस पे जो राइटिंग की जाती है तो ये एन पेज में डिजाइन की जाती है, तो हम एन पेज कोरलडा और फोटोशॉप तीनों को मिक्स करके भी हम इन पे काम करेंगे कि इन पे काम किस तरह किया जाता है। तो ये हमारे पास होता है जी कोरलडा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेसन की समझ आई होगी कि हमने कोरलडा पे क्या क्या काम करना है, क्या क्या चीज़ें हमने डिज़ाइन करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैं आपको कोरलडा की इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा, कोरलडा को आप इंस्टॉल किस तरह करते हो और कोरलडा को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, और तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।